बात निवेदित करें। हो सकता पिता आपको निकाल दें, डांट दें, अखबार में पेपर में भी निकलवा दें, इस बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं। लेकिन सदगुरु ऐसे होते हैं जिसे अपना ले तो उसका कभी परित्याग नहीं करते। आज इंद्र कह रहा, आप पिता नहीं, आप गुरु भी हैं। अगर आप केवल पिता होते तो मेरा त्याग कर सकते थे, लेकिन मैं जानता हूं आप सदगुरु हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आप मेरा त्याग नहीं करेंगे। और ऐसी कितनी घटनाएं आपको सुनाए, एक नहीं हजार गलती करने वाले को सदगुरु ने त्यागा नहीं, उसकी भी सिफारिश की है। मानस का एक प्रसंग जब कई बार हम पढ़ते हैं पाठ में आता है, जब जब उस प्रसंग को पढ़ते हैं हमारा हृदय भर आता है। सदगुरु की करुणा आप देखें, काग भूषण जी स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि मैं उज्जैन में पहुंचा, एक ब्राह्मण को मैंने गुरु बना लिया, शिव मंत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे गुरु जी शंकर जी के भक्त तो थे, प्रसंग में विष्णु भगवान को भी मानते थे, तो मैं सोचने लगा गुरु जी तो ऐसे ही हैं, बताओ उनकी एक में निष्ठा ही नहीं, हम अच्छे हैं गुरु जी से, गुरु जी के प्रति अभाव हो गया। और एक दिन कागभूषण जी खुद कह रहे, जब मैं उज्जैनी में था, उज्जैन में था और मेरे गुरु जी आए, मैं एक माला पर जप कर रहा था शिव मंत्र का, मेरी गुरु जी के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी, इसलिए गुरु जी आए मैं उठ करके खड़ा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, गुरु जी ने शंकर जी की पूजा की, अभिषेक किया, भोग लगाया, आरती की, और आरती के बाद पुष्प माला और प्रसाद लेकर के जब आए, ये कह रहे मैं फिर भी खड़ा नहीं हुआ, तब गुरु जी ने वो प्रसादी माला मुझे दी, बैठे रहा मैं, बैठा रहा, माला पहना दी, मुझे प्रसाद दिया। जब ऐसा गुरुदेव ने किया तो भगवान शिव सहन नहीं कर पाए, भगवान शिव ने कहा जो अस दंड करो नहीं, अगर मैंने दंड नहीं दिया तो भ्रष्ट होए सुति मार्ग मोरा, वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए साप दे दिया, तू गुरुदेव को देख करके खड़ा नहीं हुआ है, तेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा अभाव हो गया। वो कहते मैं रोने लगा, गुरुदेव हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। भगवान शिव बोले इसको क्षमा नहीं करेंगे, धन्य है गुरु की करुणा, भगवान शिव क्षमा नहीं कर रहे। लेकिन उस समय गुरु जी ने शंकर जी की स्तुति की, प्रभु उस स्तुति से शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। तो सदगुरु ने क्या मांगा, बोले हमारे शिष्य पर आप नाराज मत हो, इसके साप को मेट दीजिए, यह गुरु की करुणा। स्तुति आप लोग प्राय सब जानते शंकर जी की, अपने शिष्य के कल्याण के लिए स्तुति की है गुरुदेव ने, वही स्तुति मानस में लिखी है। नमामि सभीसा निर्भर रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद प्रसन्न थे गुरुजी से, इसलिए कहा इसे तो पक्षी बनना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे तो अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण कर सकता है।
सदगुरु की करुणा बहुत होती।